भाइयों राम राम, जय श्री महाकाल। तो भाइयों आज के वीडियो में कुछ आपको बताएंगे कि एक कमेंट के ऊपर आज का वीडियो है कि एक भाई का कमेंट था कि भाई मेरे पास जो है महिंद्रा का रोटावेटर है और 1000 RPM वाला स्वराज ट्रैक्टर है। ठीक है, भाई ने ट्रैक्टर के मॉडल नंबर नहीं बताए, स्वराज मतलब 1000 RPM वाला स्वराज और महिंद्रा का जो है रोटावेटर है, तो उसको कैसे सेट करें। ठीक है भाइयों, तो आपको बता दूँ मैं कि जो रोटावेटर हमारा कोई सा भी कंपनी का होता है, जैसे हमारा पास जो मीशो कंपनी का है, तो होता क्या है रोटावेटर के अंदर एक लिस्ट दी होती है पूरी RPM कैसे क्या सेट करने। आप देख सकते हो इसमें इसमें पूरा ऑप्शन दिया है, 540 RPM वाला, 750 RPM वाला, 1000 RPM वाला, कैसे का सेट करना है। तो भाई को बोलना चाहता हूँ मैं कि आपका ट्रैक्टर अगर 1000 RPM वाला है तो आपको सेट कुछ इस प्रकार से करना है कि अगर आप लिस्ट में अपन देखें, ठीक है भाई, तो लिस्ट में ये 1000 RPM यहाँ पे है और जो है 273 RPM लेने के लिए आपने क्या करना है कि इनपुट शाफ्ट जो होती है हमारी उसमें 15 नंबर का गियर लगाना है और बीच जो पोजिशन शाफ्ट होती है उसमें 21 नंबर का गियर लगाना है। ठीक है, ए में 15, बी में 21 नंबर का गियर, तो आपको RPM मिल जाएंगे 273 RPM के आसपास। ठीक है भाई जी, 273 RPM मिल जाएंगे। तो आपका जो रोटावेटर है उसमें आप एक बार चेक कर लीजिए, उसमें पूरी लिस्ट दी होगी कि कैसे क्या मतलब कौन सा नंबर का गियर लगाओगे तो कितने RPM मिलेंगे। तो इस प्रकार से आपको जो है क्या करना है कि फिर जो है गियर में आपको यहाँ पर देख लेना है कौन सा 15 और 21 नंबर का गियर आपको लगाना कैसे होता। तो आपको मैं आपको क्या करना है कि ये जो नट दिए हुए होते हैं पीछे ये गियर बॉक्स में, ये खोल के जो है गियर चेंज कर लेने और गियर के ऊपर जो है नंबर लिखे होते हैं। एक बार ये जो गियर बॉक्स होता है हमारा, इसको खोल के आप देख लीजिए कितने कितने नंबर गियर आपके रोटावेटर में दिए हुए हैं। ठीक है, और बाकी बात की जाए अगर कि आप गियर कैसे चेंज करोगे, तो हमने उसके लिए पहले से ऑलरेडी वीडियो बना रखा है हमारे चैनल पर, आपको वीडियो मिल जाएगा। और बाकी अगर बात की जाए तो आप यूट्यूब पर सर्च कर लेना, तो उसमें भी हमारा जो वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है भाई जी, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय जवान जय किसान।